हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। अभी मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोस्ट डाला हुआ था जिसमें मैंने पूछा था कि पोटैटो यानी आलू क्या है साइंटिफिक रूप से, ये जड़ है या तना है। तो बहुत सारे लोगों का मैक्सिमम जो जवाब आया था वो आया था कि जड़ है, लेकिन मैं आपको एक बार करेक्ट कर दूँ कि जी नहीं, ये जड़ नहीं, ये साइंटिफिकली तना है यानी स्टेम है। तो आप लोग थोड़ा सा अवेयर रहिए, थोड़ा सा कुछ जानने की कोशिश करिए, सीखने की कोशिश करिए और मुझे लगता है कि आप सही आंसर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और कम्युनिटी पोस्ट को ज़रूर फॉलो करिए। और रहते हैं आज की जो टॉपिक है उसके ऊपर स्टिक रहते हैं। अभी देख लीजिए, मेरी जो मेन थिंग है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, देखिए मेरी जो बहुत सारी वीडियोज़ हैं वो आप लोगों ने जेंडर प्रिडिक्शन के ऊपर काफ़ी पसंद की है, आपको काफ़ी अच्छी लगी है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो ऐसे लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं कि मुझे क्या होगा, मेरा FHR ये है तो मुझे बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी, मेरे लड़के के लक्षण हैं कि लड़की की लक्षण है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। आप लोग जितने भी लोग मेरे वीडियोज़ फॉलो करते हैं, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मेरी वीडियोज़ देख रखी है, उनको पता है कि इन माई एवरी वीडियो मैं आपको यही बात बताती हूँ। मैं एक तरह का अवेयरनेस फैलाना चाह रही हूँ कि इन सारी चीज़ों से कुछ नहीं होता है। जबकि मैंने अपनी पहली प्रेगनेंसी की रिपोर्ट और सेकंड प्रेगनेंसी की रिपोर्ट भी आपको मैच करके बताई थी कि क्या चीज़ें सही हो रही हैं क्या चीज़ें नहीं, क्योंकि जेंडर प्रिडिक्शन सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है। तो आप यूट्यूब पे ज़रूर सर्च करिएगा ट्विंस माय वर्ल्ड से, ये कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको ज़रूर देखेगा। तो एवरी वीडियो आपको मैंने क्लियरली बताया है कि इन सब का कोई मैटर नहीं करता है। क्या पता किसी का 165 या 175 भी अगर FHR है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक गर्ल चाइल्ड है। ये जरूर हो भी सकता है कि वो एक मेल चाइल्ड हो, एक एक्सपेक्टेड बताया जाता है। तो किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। और मेरे से पूछने से आप खुद बताओ कि मैं खुद की अपनी प्रेगनेंसी में ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकती हूँ कि मेरा क्या होने वाला है, तो मैं आपकी कैसे करूँगी। तो प्लीज़ इस भावनाओं को ज़रूर समझिए। मेरे वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आपके तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, ये अवेयरनेस पहुँचे कि जो अगर आप फेक वीडियो देख रहे हैं, आपको मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि कोई भी आपको 100% नहीं बोलेगा, चाहे आप कितने बड़े से बड़े तांत्रिक बाबा को ही क्यों ना जानते हो, कोई आपको नहीं बताने वाला है। तो प्लीज़ इस अवेयरनेस को फैलाइए। और जहाँ तक मैंने अभी आपको बताया कि अपनी अवेयरनेस को फैलाइए, चीज़ों को जानने की कोशिश करिए, तो मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि भले ये छोटी सी चीज़ है, पोटैटो का जड़ होना या तना होना आपको नहीं पता होगा, बट आप सोच तो सकते हैं आप कितना ज़्यादा, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप इसके बारे में आप साइंस पढ़ने लग जाओ या कुछ पढ़ने लग जाओ, बट किसी इरिलेवेंट थिंग को जिसका आपके लाइफ में कोई मतलब नहीं बनता है, उस जेंडर प्रेडिक्शन को देखने से अच्छा है कि आप किसी नॉलेजेबल वीडियो को देखें जिससे आपके नॉलेज भी बढ़ेगी और आपके अंदर एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद है कि आपके तक अवेयरनेस पहुँचे। आपका प्यार बहुत दिखता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन प्लीज़ आप चीज़ों को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करिए कि मेरी वीडियोज़ जो जेंडर प्रेडिक्शन के ऊपर होती हैं वो किस तरह की होती हैं, और अगर किसी तांत्रिक बाबा ने बनाई है तो उनकी जेंडर प्रेडिक्शन किस लेवल की होती है। तो आप खुद से जज कर सकते हैं कि देखिए, और जज करने का हक तो किसी को भी है, आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। तो आप खुद से अपना विवेक ज़रूर लगाइए कि आपको किन बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान रखना है। अभी अगर आपकी जो क्वेरीज है, जो रियल क्वेरीज है, जो आपकी रियल प्रॉब्लम आपको प्रेगनेंसी में दिख रही है, उसको आप मुझे मेल करिए, कॉन्फिडेंशियल मेल रहेगा बिल्कुल। तो आप ये सारी चीजें मुझे बताइएगा, तो हो सकता है कि मैं किसी से पूछ के या डॉक्टर से पूछ के या अप टू माई नॉलेज मेरे एक्सपीरियंस क्या है, मेरे क्या पर्सनल जो भी एक्सपीरियंस रहे उसके आधार पर मैं आपको क्वेश्चन दूँ। तो आपकी कोई रियल प्रॉब्लम नहीं रहती है, बल्कि लड़का या लड़की जानना इतना आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है मुझे नहीं समझ में आता है। तो प्लीज इसके ऊपर गौर से ध्यान से सुनिए कि मैं क्या बोल रही हूं। और जहां तक मैंने आपको बताया है कि आप मुझे कॉन्फिडेंशियल मेल कर सकते हैं, तो चाहे आपकी प्रॉब्लम कोई से भी हो या तो आप किसी अदर प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, क्योंकि हर एक इंसान में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही होती है, लाइफ जो होती है संघर्षों के बिना होती ही नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि हर्षिता को ये मुझसे ये बात शेयर करनी चाहिए, आप चाहते हैं तो आप प्लीज़ ज़रूर शेयर करिए। क्या पता मैं कुछ तो हल निकालूंगी, नहीं निकालूंगी, शायद मेरे प्रॉब्लम का आप हल निकालिएगा। तो मेरा चैनल एक इंटरेक्टिव चैनल होने वाला है थ्रू आउट, आपको लोग को पता है, तो अपने कमेंट ज़रूर करिए। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है, लेकिन मैं शुरू से यही चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करें। आपके जो भी कमेंट है, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उसको किस तरह से लेना है वो मैं खुद देख लूँगी, लेकिन आपके विचार तो मुझ तक पहुँचने चाहिए कि आप क्या सोचते हैं आपकी लाइफ में। देखिए, आप ऐसा नहीं हो सकता है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन हाँ
एक इंसान ऐसा भी होना चाहिए जिससे इंसान हर मन की बातें करे। देखिए मैं आपको देख नहीं रही हूँ तो ऑब्वियस ही बात है कि मैं आपको जज नहीं करूँगी, और आपकी सारी आइडेंटिटी तो सब कोई हिडन ही रहती है, कोई किसी को नहीं जानता है पर्सनली, तो इसलिए आप मुझसे खुलकर अपनी बात कह सकते हैं, क्योंकि कहने के लिए तो हज़ारों दोस्त होते हैं लेकिन कोई एक बंदा एक सच्चा दोस्त नहीं होता है जिससे हम अपने मन की बात कह सकें। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप अपना ही चैनल समझिए, अपना ही इतना विश्वास तो मुझ पर आप रख सकते हैं, और अपने मन की जो भी बात है वो प्लीज़ शेयर करिए। और आपका नाम अगर आप जब तक रिवील नहीं चाहते हैं, आपका नाम पब्लिकली होगा भी नहीं, लेकिन हाँ अगर मुझे लगेगा कि ये एक जेन्यून प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो इतना विश्वास हर्षिता के ऊपर कर सकते हैं, और चैनल अच्छा लग रहा है तो ही आप सब्सक्राइब करिए, लेकिन हाँ कमेंट जरूर करिए, रेगुलरली वीडियोस देखिए, वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो ही तो आप सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।